नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत है आपका हमारे चैनल हैक्स ऑफ लाइफ में। आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे 3-in-1 लाइट हॉर्न और स्पीडोमीटर का। काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट मुझे ये लगा, मैंने इसे अमेजोन से ऑर्डर किया। बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप इसे परचेज कर पाएंगे। 6 तरह के आपको इसमें साउंड हॉर्न मिलते हैं, आपको इसमें LED लाइट मिल जाती है इल्यूमिनेशन के लिए, और काफ़ी बड़ा एक स्पीडोमीटर मिल जाता है बैकलाइट के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया काम करता है। तो सारी की सारी चीज़ें इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 4 मोड्स की आपको LED मिलती है, हर चीज़ में ये आगे है। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसमें एक बहुत बढ़िया बात है कि ये ऑटो ऑन हो जाता है जैसे ही आप अपना साइकिल शुरू करेंगे। इसका जो स्पीडोमीटर है वो अपने आप बैकलाइट के साथ ऑन हो जाता है, और 3 सेकंड के बाद जब आप अपना साइकिल रोक देंगे तो वो अपने आप ऑटो ऑफ हो जाता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। लगभग 1000 रुपये के प्राइस रेंज में आपको ये प्रोडक्ट जो है मिल जाएगा। चलते हैं बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मिलते हैं काफ़ी बढ़िया और स्ट्रॉन्ग क्वालिटी की हेडलाइट, और 3-in-1 है ये। तो सबसे पहले तो ये जो है मुझे क्वालिटी इसकी काफ़ी बढ़िया लगी, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हार्ड प्लास्टिक इन्होंने जो है यूज़ किया गया, और क्वालिटी आपको फील होती है। उसके बाद आपको इसमें मिल जाता है एक बंडल जिसमें वायर्स हैं। साथ ही साथ यदि आप इनकी वेबसाइट fastpedbicycle.com से परचेज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा यदि आप welcome10 कूपन कोड यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको मिलता है इसका साउंड कंट्रोलर, जिससे जो आप इसकी साउंड को चेंज और जो आप हॉर्न है उसे बजा सकते हैं। इसका आपको एक कंट्रोलर मिल जाता है। दूसरा आपको इसका मिलता है मैग्नेटिक सेंसर, जो कि आपको अपने टायर पे अटैच करना है, जिससे जो है ये आपकी स्पीड को काउंट करता है। स्पीड मेजर करने के लिए सेंसर इसमें होता है। उसके बाद साथ ही साथ आपको इसमें मिल जाती हैं जो इसकी वायर, जो इसका दूसरा सेंसर होता है, जो आपके टायर पे, ये भी आपके टायर के जो पास में है ग्रिप होता है वहाँ पे लगता है। और उसके बाद आपको एक मिल जाता है जो डिवाइस, जो कि 3-in-1 डिवाइस है। पीछे की तरफ आपको रबर स्ट्रैप दिया गया जिससे आप इसे अटैच कर पाएंगे। वैसे ही आपको एक रबर स्ट्रैप इसका जो साउंड कंट्रोलर है उस पर भी मिल जाएगा। उसके बाद जो है इसके जो डिवाइस है उसमें आपको सॉकेट मिल जाता है, जिसमें आपको इसका मैग्नेटिक सेंसर की जो वायर है वो अटैच करनी होगी। और साथ ही साथ एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, जिसमें ये ड्यूल पोर्ट है, इससे जो है आप इसे चार्ज भी कर पाएंगे, और साथ ही साथ आपको इसकी साउंड वाला जो रिमोट है उसकी कनेक्टिविटी भी यहीं पे जो है होती है। उसके बाद चलिए चलते हैं इसकी मैनुअल पर और देखते हैं बॉक्स में आपको मैनुअल में क्या क्या मिलता है। मैनुअल में आपको इसको यूज़ कैसे करना है वो सारा बताया गया, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में सारा दिलाऊंगा, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा इसे पढ़ने की। लेकिन यदि आप पढ़ना चाहें तो बड़े आसानी से पॉज करके पढ़ सकते हैं। आपको इसके सारे फीचर्स जो देखने को मिल जाएंगे। 5 तरह की आपको डिस्प्ले इसमें देखने को मिल जाती है, ऑडोमीटर मिल जाता है आपको, हर तरह का फंक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, और किस प्रकार आपको इसे यूज़ करना है सारा जो है इस मैनुअल में बताया गया है। लेकिन इस वीडियो को यदि आप अंत तक ज़रूर देखेंगे तो सारी की सारी चीज़ें हमने जो है वीडियो में अच्छी तरह से समझाई हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं डिवाइस पर। तो सबसे पहले तो आप यदि पावर वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाता है, और मोड बटन से जो आप इसके मोड्स को जो है चेंज कर पाएंगे। उसके बाद ये आपका इसका सेट बटन होता है, तो इसको फिलहाल के लिए हम छोड़ देते हैं। उसके बाद दोनों को यदि आप एक साथ प्रेस कर देंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला जाता है, जहां आप इसे सेट कर पाएंगे इसकी सेटिंग्स को। ये देखिए, यदि आप इससे मोड चेंज हो जाता है और इससे आप सेटिंग्स जो है इसकी कर पाएंगे। पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप इसकी LED को जो है टर्न ऑन कर सकते हैं। LED में आपको 4 मोड मिलते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही आप कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो वो मोड आप चेंज कर सकते हैं। एक आपको लो पावर और एक ब्लिंकिंग और LED का मोड मिल जाता है। येलो लाइट इसमें जो है येलो और वाइट लाइट ब्लिंक करती है, और एक प्योर येलो लाइट जो कि फॉग लाइट का काम करती है वो भी आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया मुझे लगा। लाइट इसकी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, अराउंड 150 से 200 फीट तक की जो आपको इसकी रेंज मिल जाती है LED लाइट की। उसके बाद इसके मैग्नेटिक सेंसर के काम करने के लिए सबसे पहले आपको टायर का साइज़ मापना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, 1 इंच टेप लीजिए और बीच में से जो है आप अपने पूरे के पूरे टायर साइज़ को जो है माप लीजिए। जैसे मेरा जो टायर साइज़ है वो 65 सेंटीमीटर आया है। उसके बाद आपको करना क्या, आपको इसका पेरीमीटर निकालना होगा, तो उसके लिए आप 65 × 3.14 जो है कर दीजिए, जितना पास आपके पास आ जाए। जैसे 204.1 आ गया तो आपका जो टायर साइज है वो है 204.1 सेंटीमीटर। अब इसकी सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों बटन्स को आप साथ में प्रेस कीजिए, किलोमीटर पर आर या मीटर पर आर में, आप मीटर पर जो भी आप रखना चाहें। और यहाँ से जो आप जो हमारा 204.1 आया था उसको आप सेट कर दीजिए, 204 जैसे मैंने कर दिया। आप मोड बटन को प्रेस कीजिए, फिर से
और ये जो है इसकी सेटिंग जो है पूरी हो चुकी है। तो काफ़ी आसानी से यूज़ करना, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कि इसको अटैच कैसे करना। आप इसके मैग्नेटिक सेंसर को किसी भी एक टायर वायर के मिडल में जो है इसे अटैच कर दीजिए। आपको इसका एंगल एडजस्ट करना होगा, वो मैं आपको सिखाऊंगी कैसे आपको एडजस्ट करना है। एक बार आप इसे टेम्परेरी यहाँ पे जो है टाइट कर दीजिए, जिससे आपको जो है सेंसर एडजस्ट करना आसान हो जाए। उसके बाद आप इसके मैग्नेटिक सेंसर जो दूसरा पोर्शन है उसको लीजिए, और यहाँ पे आपको इन दोनों को एक ऐसे एंगल पर बिठाना है कि उन दोनों में 2 मिलीमीटर का जो है डिफरेंस रहे। तो यहाँ पे आप इसकी पोजीशन को एडजस्ट करना होगा हमें। तो कुछ इस प्रकार के आप इसको यहाँ पे प्लेस कीजिए और अपने टायर को जो है घुमा लीजिए। ये देखिए, आप थोड़ा सा टायर को आगे लेके जाइए। उसके बाद जैसे ही आप इसकी हाइट को इस प्रकार चूज़ कीजिए कि दोनों में जो है 2 मिलीमीटर का, जैसे अब ये देखिए ये डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं इसको नीचे लेके जाऊँगा। थोड़ा सा आप इसको लूज़ कर लीजिए और नीचे ले जाइए, जिससे जो इन दोनों में डिफरेंस जो 2 मिलीमीटर का हो जाए। ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर अपने आप ही करना होगा। तो थोड़ा सा ये नीचे जा रहा है, तो जैसे ही आपको परफेक्ट पोजीशन लगे कि 2 मिलीमीटर में हो गया, आपको वहाँ पे जो है इसको टाइट कर देना है। सबसे पहले तो आप मैग्नेटिक सेंसर को टाइट कर दीजिए, उसके बाद आपको जो इसमें उसके बाद मैग्नेटिक सेंसर के दूसरे पार्ट को जो आप जिपलॉक टाइल से जो जिपलॉक आपको इसमें मिलते हैं उनसे आप अच्छी तरह से टाइट कर दीजिए, ताकि वो अपनी पोजीशन पे बना रहे। दोनों की पोजीशन ये जो है काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। यदि आपका ये स्पीडोमीटर काम ना करे तो आपको इसका थोड़ा सा एंगल जो है चेंज करना पड़ेगा और ये काम करना शुरू कर देगा। कुछ इस प्रकार की आपकी पोजीशन ये जो है होनी चाहिए। 2 मिलीमीटर का डिफरेंस इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है काम करता है। उसके बाद जो वायर आती है, आप इसे बड़ी आसानी से अपने हैंडल पर अटैच कीजिए डिवाइस को, और इस वायर को जो है दोनों को अटैच कर दीजिए। नोकिया का पुराना जो पिन आता था उसी तरह की आपको इसमें वायर मिलती है। उसके बाद चलिए मैं आपको इसका टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, हमने स्पीड बढ़ा दी तो ये स्पीड बढ़ रही है, काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। तो मुझे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। ये हमने ब्रेक लगा दी तो ये देखिए स्पीड जो है कम होनी शुरू हो गई, काफ़ी मुझे एक्यूरेट लगा ये। उसके बाद कुछ करके आपको इसमें साउंड भी देखने को मिल जाएगी। छह तरह के आपको इसमें साउंड पैटर्न जो है देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद बात करें यदि मैं रिव्यू की, तो स्पीडोमीटर इसका काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट और बढ़िया काम करता है। आपको ऑडोमीटर रेंज मिल जाती है, आपको अपनी एवरेज स्पीड पता चल जाती है। लाइट जो है इसके 150 से 200 मीटर तक की रेंज में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम करती है। फॉग लाइट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है इसकी, और रिचार्जेबल बैटरी है, तो क्वालिटी का कोई आपको दिक्कत नहीं है। क्वालिटी मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। लगभग एक बार यूज़ चार्ज करने में ये 7 दिन जो है बड़ी आसानी से काम करती है पूरे, और लगभग 4 घंटे में ये फिर से रिचार्ज हो जाती है। साउंड ऑन जो है इसका वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, आपको 6 तरह की साउंड देखने को मिल जाती है और काफ़ी ज़्यादा लाउड है। क्वालिटी इसकी कोई भी आपको दिखने की, और प्राइस के हिसाब से मुझे जो है प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो आप नीचे के लिंक से आप बड़ी आसानी से परचेज कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।